गाइस, अब आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि नमाज जिहाद में कर रहा हूँ और तू डॉक्टर के घर में। ये जिहाद वाला षड्यंत्र तो है ही। क्या बोला तूने? हेलो गाइस, तो मैं आज इस टॉपिक पे व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे लिए, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक भी था और थोड़ा सा बहुत फनी वे में चीज़ें हुई थी मेरे साथ उस दिन, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइस, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं नहा धोकर ये शर्ट और एक पैंट और टॉवल को पाक साफ करके सुखा कर रख दिया मैंने, क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना था। तो फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ। तो आने के बाद सब कुछ नहाया वाया, जब तक ये कपड़ा मेरा क्लीन हुआ और पाक वाक करके सुखा वखा कर रख के शावर वावर लेकर नमाज पढ़ने रूम में आया। और मुझे उस दिन पता नहीं था कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है और उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैं अपने टेबल को बिछाया, मैंने अपने टेबल को बना रखा है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यू टेबल मिल गई थी और मेरे लिए कुछ था नहीं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करता, तो एक टेबल को क्लीन करके पाक वाक करके उसको नमाज़ पढ़ने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो मैंने टेबल बिछाया पूरा पश्चिम और पश्चिम की तरफ नमाज़ पढ़ लिया। तो मुझे मालूम भी नहीं था कि इधर पश्चिम है, बट पता नहीं कैसे मेरे माइंड को लगा कि हाँ यही पश्चिम है, पढ़ दिया। उसके बाद मैं जब नमाज़ पढ़कर थोड़ा सा फ्री हुआ तो मुझे लारा ने बताया, लरीसा ने, कि तुम पश्चिम नमाज़ पढ़ रहे थे घूम के, लोग यहाँ पर साउथ में पढ़ते हैं। मतलब साउथ में पढ़ते हैं, ये कैसे हो सकता है, मतलब साउथ में? फिर मैं सोचा हाँ हाँ हो सकता है, क्योंकि किबला जिस साइड है उधर पढ़ना है। मैं तो अभी ऊपर साइड आया हूँ, पता नहीं ऊपर से, मतलब यहाँ इंडिया है, मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ और सऊदी अरब इधर है, तो साउथ ही पढ़ेगा इधर। मैं सोचने लगा कि यार हो सकता है साउथ में लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि किबला उधर है। मैं गूगल मैप चेक करने लगा हाँ किधर है किधर किधर है, फिर भी मुझे कंफर्म होना था कि हाँ किबला इस साइड है। तो मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, कुछ किबला डायरेक्शन वायरेक्शन समथिंग करके कुछ था, कि कोई किबला वेयर फाइंड किबला करके कोई एप्लीकेशन था। तो मैंने उसे इंस्टॉल किया और मैंने देखा, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी इस फोन पर। लाला ने मुझे बताया था कि मुस्लिम लोग साउथ साइड घूम कर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं 100% श्योर होने के लिए इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखना चाहता था। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, ये मुझे बताता है कि किबला किस साइड है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस साइड हुआ पश्चिम, ये हो गया साउथ, अप साइड साउथ, इस साइड हो गया पश्चिम। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ लिया। फिर लाया ने बोला ये क्या किया तुमने, नमाज इस साइड पढ़ते हैं लोग? तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ, फिर बोला यस हाँ हो सकता है। फिर मैंने मैप चेक किया, फिर मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, फिर मैंने देखा हाँ यहाँ पे तो लोग साउथ साइड घूम कर पढ़ते होंगे, क्योंकि किबला तो साउथ साइड में है। तो मैंने देखा कि साउथ साइड में किबला है, तो मुझे फिर से नमाज़ पढ़ना पड़ा। और मुझे मालूम है कि वो एक्सेप्ट हो चुका होगा नमाज जो मैं पश्चिम पर घूम कर पढ़ा था, लेकिन मैंने फिर से अपने दिल के तसल्ली के लिए नमाज़ पढ़ा फिर से। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लोग साउथ साइड में घूमकर नमाज़ पढ़ते हैं। अपने इंडिया में क्या होता है, पश्चिम की तरफ लोग घूम के नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे मालूम भी नहीं था इधर पश्चिम है, लेकिन मैं पश्चिम साइड घूम कर नमाज़ पढ़ लिया। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये रहा मेरा टॉवल, जिसे मैंने पाक साफ करके सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए रख रखा है। और यहाँ है, और ये मेरा पैंट हुआ, ये मेरा पैंट है, ये मेरा शर्ट है, जो इतना ख़ास अच्छा नहीं है, लेकिन अभी पाक साफ है तो इसी। और मैंने लारा को बोल रखा है कि ये शर्ट पैंट और टॉवल ना तुम धोना ना तुम छूना। जब भी वो घर पे आती है, मेरा कपड़ों का अगर कुछ पड़ा रहा तो सब कुछ उठा के वॉशिंग मशीन में डाल देती है और धो देती है। तो मैंने उसे बोला तुम जब भी आओ इन सब चीज़ों को हाथ मत लगाओ। मैं इस पॉलिथीन में अपने इस पैंट शर्ट को और टॉवल को रखता हूँ और यहाँ रखता हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस लारा इसे टच भी करती है भाई, तो ये भाई नजीस ना हो, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। गाइस, मैं यही नमाज पढ़ता हूँ, अभी नमाज पढ़ रहा था। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा इसे कवर करना है। और
मैं अब 4 नमाज पढ़ दो रशर की मेरी नमाज कंप्लीट हुई, फिर मेरे माइंड में आया कि हाँ वीडियो बनाना था मुझे, ये सब टॉपिक मैंने लिख रखा है किस किस पर ब्लॉग लाना है। तो मैं फिर आप लोगों को ये वीडियो बना कर दिखा रहा हूँ अभी। और अभी एक और नमाज़ पढ़नी है मुझे सुबह वाली, क्योंकि फजर के टाइम में उठने पाया था तो ये कज़ा है, अभी मुझे ये पढ़ना है। तो गाइज अब आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि नमाज जिहाद में कर रहा हूँ और तू डॉक्टर के घर में। ओके गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय।